अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुबा आसिम और आप देख रहे हैं DHA कराची प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कराची के पोश इलाके DHA फेज़ वन में अपार्टमेंट रेंट आउट करना हो तो कम से कम कितने रेंट में आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा और कहाँ अपार्टमेंट लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और अपार्टमेंट लेते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी मालूम हमें फराहम करने आ रही हैं हमारे शो में DHA की एक्सपर्ट मिस हलीमा, जो हमें बताएंगी कि अपार्टमेंट लेते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आइए उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हलीमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरुबा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूं। मिस हलीमा, एज एन कराची रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपके पास इन्वेस्टर्स आते होंगे जिन्हें कराची फेज वन में जो इन्वेस्टमेंट करनी हो DHA के, और वो बोलते होंगे कि उन्हें अपार्टमेंट्स चाहिए, तो आप उन्हें क्या बोलती हैं, कौन सा एरिया रिकमेंड करती हैं? देखिए, DHA फेज वन हमारा एक पुराना फेज़ है, और दूसरी बात यह है कि DHA फेज़ वन के अंदर अक्सर हमारे पास DHA के अंदर पानी का जो इशू है वो कब से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पानी जो है वो टैंकर सिस्टम है, अक्सर फेजेस के अंदर ज़्यादा फेजेस जितने भी हैं। फेज़ वन जो पुराना एरिया है उसमें अगर कुछ जो घरें हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, कुछ बैंगलोज हैं ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो है वो लाइन वाटर भी है फेज़ वन के अंदर। तो फेज़ वन वो हमारा पुराना फेज़ आता है DHA का, और सबसे ज़्यादा आबाद और सबसे ज़्यादा कमर्शियली भी अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमर्शियली हमारे पास जो है वो फेज़ वन है। तो इस वक्त के टाइम के ऊपर अगर हम फेज़ वन के अपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास 100 गज की बिल्डिंग्स हैं, 200 गज की बिल्डिंग्स हैं, और जो अभी न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं फेज़ वन के अंदर वो 400 गज के भी स्टैक्टेड प्लॉट्स हैं। तो जो 100 और 200 गज की ज़्यादा बिल्डिंग्स आ जाती हैं फेज़ वन के अंदर, उसके जो रेंटल्स आ जाते हैं 2 बेड DD का अपार्टमेंट जो टू मास्टर बेडरूम ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया है 950 स्क्वायर फीट का, उसके रेंटल कम से कम हमें स्टार्ट होते हैं 30,000 से लेकर 30,000 to 35,000 से लेकर इवन 40,000 तक के भी रेंट है। डिपेंड करता है हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर। ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हमें 2 बेडरूम तकरीबन हमें मिल जाता है 30 to 35 के रेंटल में, और ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन में 40 से 45 तक। अगर हम 3 बेड DD की बात करते हैं, 3 बेड DD जो कि 3 मास्टर बेडरूम ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया है, जो कि 1400 स्क्वायर फीट है, अगर फर्ज करें 200 गज की बिल्डिंग है, 200 गज की बिल्डिंग का जो हमारे पास 3 बेड DD आता है वो फुल फ्लोर होता है 1800 स्क्वायर फीट होता है, उसका अगर हम रेंटल की बात करते हैं तो कम से कम हमारे पास रेंटल जो स्टार्टिंग रेंटल होते हैं 70-75 तक भी हमारे पास रेंटल्स हैं, इवन 80 तक भी हमारे पास रेंटल्स आ जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो न्यूली कंस्ट्रक्शन हैं उसमें अभी लिफ्ट्स भी दी जा रही हैं, तो फिर न्यूली कंस्ट्रक्शन में हमारे पास रेंटल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी ब्रांड न्यू होती है, और इसमें हमारे पास 1800 स्क्वायर फीट के अंदर जो है वो रेंटल स्टार्ट्स होते हैं 75 से लेकर 80 से 85 तक रेंटल होते हैं, और इवन हमारे पास अगर 3 बेड DD का छोटा कवर्ड एरिया है 1250 स्क्वायर फीट का, या 1250 स्क्वायर फीट जो है वो 100 गज की बिल्डिंग का हमारे पास कवर्ड एरिया है 3 बेड DD का, तो 3 बेड DD हमें तकरीबन रेट्स के ऊपर हमें मिल जाता है रेंटल के ऊपर 60 से 65 तक 1250 वाला। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सलीमा मैं अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, अगर आप कराची के DHA फेज़ वन में अपार्टमेंट रेंट आउट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और एक अच्छी लोकेशन पर अच्छे रेट पर अपना अपार्टमेंट रेंट आउट करें। तब तक दें अपनी होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।